Welcome guys in lecture number 15. In this lecture, we discuss about the some important topics and new topics, okay? You know, आपने JSR में already molar conductivity की definition तो पढ़ा ही होगी, okay? The conductivity of V volume, solution, और उसे solution में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, having one मोल इलेक्ट्रोलाइट solution. Between two electrodes, okay, ये आपको पढ़ाया ही है. Possessing unit cross section and the distance of a unit length is called molar conductivity. जो आपको conductometric cell बताया था, उसमें दो electrode थे, okay? तो electrode का cross section कितना है? One unit. दो electrode के बीच की length कितनी है? One unit है, okay? तो जब इस type की condition में V volume solution है और उनमें वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब डिसॉल्व हुआ है तब उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी. ओके, एज पर डेफिनेशन डिराइव्ड फॉर्मूला इज लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू ए बाय एल एंड इज इक्वल टू के. बोले क्यों? बिकॉज एल इज इक्वल टू वन, हमने लिया ना यहां यूनिट लेंथ. ओके, एल इज इक्वल टू वन एंड ए इज इक्वल टू वी. क्रॉस सेक्शन जो है वो इज इक्वल टू वॉल्यूम है. ठीक है, क्लियर? और वहां जो मोल्स है ऑलरेडी कितने मोल्स है? वन मोल्स. ओके, चलो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू वी. देखिए, हमें कोई न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना है. फिर हमें यही सिर्फ यहां समझना है कि जैसे ही डाइल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम होगी, तब मोलर कंडक्टिविटी में कैसे चेंज होता है, ये समझने के लिए ये पूरा मैं टॉपिक्स यहाँ पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी. ओके, अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर, तो लैम्डा एम भी क्या होगा, बढ़ता है कि नहीं? चलो, हमने यहाँ आगे के लेक्चर में पढ़ाया था लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 इनटू के बाय सी. वहां मैंने क्या पढ़ाया था? एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज लैम्डा एम इंक्रीज. तो यहां वही हुआ ना, वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा. जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी. और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो लैम्डा एम इंक्रीज होता है. ओके, ये लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 के बाय सी फॉर्मूला के पर से मैंने समझाया. अगर यहां से समझेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू वी. वॉल्यूम बड़ा है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, तो लैम्डा एम भी इंक्रीज होता है. मान लो कि मेरे पास वॉल्यूम बढ़ता ही चला जाता है, इतना वॉल्यूम बढ़ गया. देखिए, इलेक्ट्रोलाइट तो मेरे पास कितना है? वन मोल ही है. ओके, इलेक्ट्रोलाइट तो वन मोल ही है, लेकिन वॉल्यूम इतना अमाउंट मैंने डाल दिया कि उस वॉल्यूम के कंपेयर में ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बहुत ही कम है. ओके, तो देखिए हमें क्या लिखा है. व्हेन द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन बिकम्स अबाउट जीरो, यानी कि जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत ही करीब है. देखिए, कंसंट्रेशन की फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एन बाई वी. क्लियर, ये कंसंट्रेशन की फॉर्मूला है. ओके, अब जैसे ही वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा, ओके, और जो मोल्स है वो बहुत ही कम है, तब कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाती है. क्लियर, मीन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब वॉल्यूम बहुत सारा बढ़ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है, तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मान लो कि मेरे पास 5000 लीटर की एक बड़ी टंकी है, उस 5000 लीटर की टंकी में 5000 लीटर पानी मैंने डाल दिया है. अब उसमें एक चम्मच भर के NaCl अगर मैं डाल दू तो सॉल्यूशन तो बनेगा लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, इज अप्रोक्सीमेटली जीरो. जीरो नहीं बोल पाएंगे आप लोग. बहुत सारा मैंने अमाउंट ऑफ वाटर मैंने वहां ऐड किया है. और क्या बोलते हैं इनको? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी एंड सिंबल इज लैम्डा जीरो एम। क्या बोलते हैं इनको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा जीरो एम मींस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी। उसका मीनिंग ये नहीं है कि C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो चुका है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो हुआ है तभी उनको बोलते हैं लैम्बडा जीरो एम। क्लियर? तो इस टॉपिक को मैंने यहां खत्म किया, लिख लो। और कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन पहले ये लिख लो। ओके गाइस, नेक्स्ट कंपाउंड विच गिव्स मोर आयंस विल शो मोर कंडक्टिविटी। इसके अगले लेक्चर में मैंने एक एमसीक्यू आपको पढ़ाया था, तब ये बात आपको पढ़ाई थी। कंपाउंड विच गिव्स मोर आयंस विल शो मोर कंडक्टिविटी। ओके, एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको मालूम होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े, उसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जब आपने स्टार्ट किया था, ओके, तब वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है। क्लियर? तो NaCl, जब NaCl को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं कंप्लीटली आयोनाइज, अप्रोक्सीमेटली 100% आयोनाइज्ड, KCl, MgCl to MgSO4, KNO3, ऑल द टाइप ऑफ सॉल्ट आयोनाइज कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं NH4Cl या फिर CH3COONa। ओके, दे आर द कंप्लीटली आयोनाइजेबल सॉल्ट्स। ओके, तो NaCl, KCl, MgCl to MgSO4, NH4Cl, सोडियम एसीटेट, KNO3, दे आर द सॉल्ट्स एंड कंप्लीटली आयोनाइज, सो दे वेर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेक्स्ट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl strong acid, NHNO3 strong acid। तो ये जो सारे substance है उनको जब हम water में dissolve करते हैं तो वहाँ completely ionization होने की वजह से ions free होते हैं, तो conductivity भी वहाँ ज्यादा होती है, so they are called strong electrolyte। Clear? Next, the compound which ionizes less, you know, 2 to 5%, ओके, इतना उनका सिर्फ आयोनाइजेशन होता है जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड गिव्स लेस नंबर ऑफ आयंस, तो अगर उनका आयोनाइजेशन कम हो रहा है तो आयंस की जो नंबर है वो भी कम होगी, तो विच शो लेस कंडक्टिविटी एंड कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड वीक एसिड, NH4OH a weak base, and HCN a weak acid। Okay? तो मान लो कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, 1 molar acetic acid and 1 molar HCl, दोनों ही सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी कौन से एसिड की ज्यादा होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, तो किसकी होगी? 1 molar HCl की, क्योंकि वहां कंप्लीटली आयोनाइजेशन होता है, तो क्योंकि वहां कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा है इसलिए वहां कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और एसिडिक एसिड है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वहां लेस नंबर ऑफ आयंस क्रिएट हो गए और इसी वजह से उनकी कंडक्टिविटी कम होगी। क्लियर? तो यहां मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है वो मैंने आपको समझाया। इस दोनों ही कंटेंट को आप लिख लो। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उनको हम समझना चाहते हैं। ओके, देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम। आपको मालूम है लैम्डा एम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है कब? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है तब उनका डाइल्यूशन करेंगे यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर हम ऐसा बताएंगे उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, तब क्या होता है?
उनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा जीरो एम माइनस ए सी रेस टू वन हाफ। ओके, लैम्डा एम और लैम्डा जीरो एम, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं आप लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, फिर से बता रहा हूं आपको, इसके दो मीनिंग आप बोल पाएंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा जीरो एम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा जीरो एम माइनस ए सी रेस टू वन हाफ। चलो, अब इस फॉर्मूला के आधार पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, लेकिन आपको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू मैथ, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, वहां स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो इस फॉर्मूला को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिर्फ ये लिखा है, दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने आपको सिर्फ ये जस्ट फॉर नॉलेज, ओके, जस्ट फॉर योर जानकारी, इन गुजराती जस्ट फॉर जानकारी, नॉलेज के लिए आपको बताया है कि इस फॉर्मूला को मैंने लिख रहा हूं यहां इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन आल्सो कैन रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए सी रेस टू वन हाफ को मैं आगे ले रहा हूं और प्लस लैम्डा जीरो एम को मैं पीछे ले रहा हूं। ओके, नाउ ये जो मुझे इक्वेशन मिला उनको मैं किसके साथ इक्वल कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको याद ही होगा, आपको आता ही है, हर हमेश हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ लैम्डा m वर्सेस c रेस टू वन हाफ। क्लियर, तो ये है लैम्डा m वर्सेस c रेस टू वन हाफ, यू कैन ऑल्सो से अंडर रूट c। ओके, इनका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वो फॉर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो कॉल ग्राफ है वो फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, नाउ इफ ग्राफ ऑफ लैम्डा एम वर्सेस c रेस टू वन हाफ इज प्लॉटेड, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। देखिए मिल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, तो बोले सर ये तो कर्व भी मिल रहा है, लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टिविटी की हम बातें भी नहीं कर रहे हैं ना। चलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, द इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ इज लैम्डा जीरो एम। देखिए लैम्डा जीरो एम जब मिलता है, मैंने बताया था आपको लैम्डा जीरो एम का मीनिंग क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मान लो कि वहां कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया है ना, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली जो अपना ग्राफ जो है, यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तो जीरो होगी ना, ओरिजिन पॉइंट जो है वहां तो जीरो होगी। तो इस ग्राफ को अगर मैं पीछे की ओर अगर उसको मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये मुझे जो मिलता है वो मिलता है इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड इज इक्वल टू लैम्डा जीरो एम। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू ऑफ सी अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी ना, हम गेस कर पाते हैं ना। देखिए कंसंट्रेशन जीरो तो कभी होगी नहीं, क्योंकि अगर आप कोई सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आप जब काउंटिंग कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन बना है इसलिए वहां थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो होगा, तो कंसंट्रेशन जीरो तो होती ही नहीं कभी, इसलिए हमारा जो ग्राफ था ना वो यहीं तक का था। देखिए मैं वापस इसको इरेज कर रहा हूं, ग्राफ तो यहीं तक का था ना, क्योंकि सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी आप फाइंड कर रहे हैं, और अगर सॉल्यूशन बना दिया है तो कंसंट्रेशन थोड़ी तो होगी ना, बहुत ही कम, लेकिन जीरो तो नहीं होती है। तो मैं यहां लैम्डा जीरो एम अगर फाइंड करना चाहता हूं तो प्रैक्टिकली मैं नहीं निकाल पाऊंगा लैम्डा जीरो एम की वैल्यू, लेकिन अगर मैं ग्राफ के मदद से इसको अगर इस ग्राफ को मैं पीछे अगर ड्रॉ करता हूं, तो यहां वाई एक्सिस को ये जो ग्राफ है ना वो यहां इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ना वो होगी लैम्डा जीरो एम। अब देखिए
पूरा जो ग्राफ था ना वो स्ट्रेट लाइन था, यहां से स्ट्रेट लाइन था ग्राफ, एक्चुअली यहां तक ही मुझे मिला था। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये पॉइंट बता रहा हूं यहां तक का ग्राफ था प्रैक्टिकली, लेकिन इसको मैंने पीछे की ओर खींचा और खींचा तो यहां ये ग्राफ कट मार दिया, उसको मैंने बोला लैम्ब्डा 0m। तो ये जो मुझे इंटरसेप्ट मिला वो सही होगा या गलत होगा? तो सही होगा। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना वो पूरा स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ होता है, अगर उसको आप पीछे की ओर खींचेंगे तो वाई एक्सिस पर जो वहां इंटरसेप्ट होगा वो राइट होगा। ओके, सो प्रैक्टिकली हम लैम्ब्डा 0m नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कंक्लूड, वी कैन मेजर, वी कैन कैलक्यूलेट द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा 0m फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्राफ ऑफ लैम्ब्डा m वर्सेस c रेस टू 1/2। क्लियर? नाउ सी, इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ इज लैम्ब्डा 0m, मैंने बताया आपको, एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज a। ओके, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज a, यू कैन से माइनस a, उसकी जो वैल्यू है ना नेगेटिव होगी। देखिए उसका स्लोप नेगेटिव मिलेगा ना, क्योंकि जो अपना जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की ओर जा रही है। ओके, क्लियर? नाउ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज a। ओके, दिस इज द स्लोप, m is equal to slope a। आप ऐसे भी लिख पाएंगे उसकी वैल्यू माइनस a है, क्योंकि ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर? नाउ ये एक मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, या फिर MCQB में भी ये पूछा जा सकता है। वैल्यू ऑफ a फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड गिवन टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन द type of electrolyte. What is the meaning of type of electrolyte? कोई electrolyte में positive ion और negative ion है, तो positive ion और negative ions के जो charge होते हैं, positive charge, negative charge, उसके ऊपर से हम type of electrolyte decide कर सकते हैं। Clear? Next, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 are the strong electrolyte. मैंने बताया था आपको, having 1gm1, देखिए Na plus और Cl minus 1gm1, K plus and Cl minus 1gm1, या यहाँ क्या है Mg plus 2 and Cl minus 1, इसको क्या बोलेंगे अपन, 2gm1, Ca plus 2 and Cl minus 1, 2gm1, having 1gm1, 1gm1, 2gm1, 2gm1 type of valency, okay? तो value of A depend करता है temperature, solvent और type of the electrolyte। Last, यहाँ लिखने के बाद यहां मैं स्टार कर रहा हूं, ये जो स्टार है ना वो, ये जो पॉइंट है वो आपको इसके नीचे लिखना है। द वैल्यू ऑफ ए आर सेम फॉर ऑल द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1gm1 यानी कि NaCl और KCl के लिए अगर आप लोग वैल्यू ऑफ ए फाइंड करेंगे तो सेम मिलेगी, लेकिन वैल्यू ऑफ ए फॉर MgCl2 एंड CaCl, बिकॉज़ दे आर द 2gm1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट देन NaCl एंड KCl, द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो यहां मैंने आपको क्या पढ़ाया, कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे समझते हैं फ्रॉम द ग्राफ, और लैम्ब्डा 0m हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, मैंने आपको समझाया। और एक बात आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, देखिए ग्राफ तो एक्चुअली मेरे को यहां तक ही मिला था ना, क्यों ग्राफ यहीं तक मिला था, यहां तक टच क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहां अगर वैल्यू होती है तो c की वैल्यू 0 हो जाती है। हम बोल पाते हैं सी की वैल्यू जीरो, लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्यूशन की जब हम कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन तो जीरो होती ही नहीं है ना, तो प्रैक्टिकली हम सी इज इक्वल टू जीरो नहीं निकाल पाते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो लैम्ब्डा 0 हमें मिलती नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन थी उसको अगर आप पीछे की ओर खींचेंगे तो वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लैम्ब्डा 0m सही मिलेगा, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट है। लेकिन ये देखिए, ये जो पूरा ग्राफ है ना, मैं डार्क लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं पूरा, ये जो ग्राफ ऑफ एसिटिक एसिड इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये जो पूरा ग्राफ है वो कर्व ग्राफ है। अगर आप यहां से इंटरसेप्ट निकालेंगे तो यहां मिलेगा, अगर आप यहां से इंटरसेप्ट निकालेंगे तो यहां मिलेगा, अगर आप यहां इसको खींचेंगे तो पीछे के मिलेगा। तो ये जो पूरा ग्राफ है वो कर्व है, इसीलिए इस ग्राफ के पर से मैं कभी इंटरसेप्ट नहीं निकाल पाता,
और अगर आप इंटरसेप्ट नहीं निकाल पाएंगे तो वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा 0m फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो लैम्ब्डा 0m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप आसानी से किसका निकाल पाते हैं, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल पाएंगे. तो ओके, हम आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले इस पूरे टॉपिक को लिख लो और याद रखना ये जो पॉइंट है उसको इस पॉइंट के नीचे आपको लिखना है, पूरे टॉपिक को लिख लो. Okay guys, let us start a new topic, which is the conductivity of weak electrolyte. The study of changes in conductivity with the dilution was carried out by the scientist Oswald. आप लोगों ने equilibrium chapter जब पढ़ा था तब ionic equilibrium chapter में आपको Oswald का dilution law पढ़ाया गया है. Oswald के dilution law का ये formula है, alpha is equal to under root k by c. अगर फॉर वीक एसिड लेंगे तो क्या लिख पाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी, और फॉर द वीक बेस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी बाय सी. ओके, इस लो पर से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं का अगर वैल्यू ऑफ सी विल बी इंक्रीज्ड अल्फा विल बी डिक्रीज्ड, एंड इफ द वैल्यू ऑफ सी विल बी decrease, the value of alpha will be increase. जैसे ही अल्फा बढ़ता चला जाता है तो कोई भी कंपाउंड जो है उनका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा. If alpha is equal to 1, then any of the substance will be completely ionized. मैं अगेन बता रहा हूं आपको, if alpha is equal to 1, then the substance will be completely ionized. Okay, तो जो strong electrolyte जो होते हैं ना, उनके लिए alpha की value is very near about 1. और for weak electrolyte, alpha की value बहुत ही कम होती है. मान लो कि 0.1, 0.09, ठीक है, 0.05, 0.08, 0.06 बहुत ही कम होती है. Okay. It was found that the conductivity of weak electrolyte increases more with the dilution. देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. मान लो कि मेरे पास NaCl है, उनकी अल्फा की वैल्यू इज वेरी वेरी नियर अबाउट 1, मान लो कि 0.98 है. अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो होगा क्या, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने की वजह से तो होगा क्या, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी. तो अल्फा की वैल्यू पहले कितनी थी, 0.98, अब बढ़कर कितनी होगी, मैक्सिमम 1 होगी ना, तो उनका जो इंक्रीज कितना हुआ, 0.02 का इंक्रीमेंट हुआ. ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होगा मान लो कि 0.15, तो अगर मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करूंगा तो वैल्यू ऑफ सी कब होगी, तो अल्फा बढ़ेगा. अब चलो अज्यूम करो, जैसे ही मैं सॉल्वेंट को डालते चले जाता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज अगेन, इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज, सो अल्फा विल बी आल्सो इंक्रीज्ड. तो 0.15 थी अल्फा की वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो बढ़ेगी, अब बढ़कर कितनी हो सकती है, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनकी अल्फा की वैल्यू मैंने अज्यूम की थी 0.98, बढ़के कितनी हुई, मैक्सिमम 1, तो इंक्रीमेंट कितना है, 0.02 का. वीक इलेक्ट्रोलाइट उनकी अल्फा की वैल्यू मैंने अज्यूम की थी 0.15, तो बढ़ के कितनी हुई, 0.40, 0.50. सो ऐसा हम बता पाते हैं कि अगर डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही, लेकिन जो डिफरेंट होता है, इंक्रीमेंट का डिफरेंट है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा है.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी जरूर, लेकिन थोड़ी कम बढ़ेगी. ओके नेक्स्ट. एंड विच इज नोन एज ऑस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन. क्लियर. लास्ट पर बता रहा हूं, ऑस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन इज स्टेट दैट इफ द कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज, यू कैन से दैट द सॉल्यूशन विल बी मोर डाइल्यूटेड. Alpha will be increase, and alpha will be increase, then the compound will ionized more and more. Okay. Next, when a solution of weak electrolytes is diluted, the degree of dissociation is increased. मैंने बताया आपको. So the number of ions also increases and lambda m also increases. बताया ना आपको. Alpha ज्यादा हुआ तो जो कंपाउंड है उनका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा. आयोनाइजेशन ज्यादा होता है तो आयन मोर क्रिएट, एंड इफ आयन विल बी मोर क्रिएट देन लैम्ब्डा एम मींस मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज्ड. क्लियर. ओके नेक्स्ट. इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ. देखिए ये ग्राफ है, अभी पढ़ाया था ना आपको एसिटिक एसिड के लिए लैम्ब्डा एम वर्सेस C raised to 1/2, value of lambda 0m increases in the form of curve. देखिए यहां से अगर मैं इंटरसेप्ट निकालू एक्स्ट्रापोलेशन करके तो मुझे लैम्ब्डा 0m मिलेगा. अगर यहां से मैं एक्स्ट्रापोलेशन करके लैम्ब्डा 0m निकाल पाऊंगा तो लैम्ब्डा 0m की वैल्यू बढ़ी और लैम्ब्डा 0m की बढ़ी, तो लैम्ब्डा 0m की जो वैल्यू है ना वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व हमें मिलती है. ओके तो मैंने बताया था कि अगर आप लोग इस ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे y एक्सिस पर तो वो जो एक्स्ट्रापोलेशन है इंटरसेप्ट मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, गलत मिलेगा ना. ओके कैन नॉट, सो लैम्ब्डा 0m कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लैम्ब्डा 0m टू जीरो कंसंट्रेशन. ओके यहां जब हम एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं तब इनका जो कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाता है. ओके सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन शॉर्ट हम लैम्ब्डा 0m फ्रॉम द ग्राफ निकाल पाते नहीं है. ओके एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन C इज टेंड्स टू 0. इनफाइनाइट डाइल्यूशन 0 होता नहीं लेकिन हम 0 के बहुत ही करीब है, इज एप्रोक्सीमेटली 0. बट इफ C इज 0, इफ C इज 0 देन अल्फा विल बी 1. And alpha will be 1, then compound, rather is weak electrolyte, is completely ionized. Okay, so completely ionized hoga, to unki conductivity bhi jyada hogi. Lekin concentration to bahut hi kam hai. Ion create hue, lekin bahut hi kam ion create hue. Completely ionization ke baad bhi. So, इनकी जो लैम्ब्डा 0m या फिर लैम्ब्डा m की जो वैल्यू मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है. दैट इज वेरी हार्ड टू मेजर इट. इनको मेजर करना बहुत ही हार्ड है. ओके सो इन शॉर्ट लैम्ब्डा 0m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइज इज ऑब्टेन बाय द यूजिंग कॉलरोस लो. तो कॉलरोस लो की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्ब्डा 0m की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे. तो ये जो पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया उस टॉपिक का दो ही फंडामेंटल मीनिंग है. पहला मीनिंग, वी कैन नॉट कंक्लूड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा 0m फ्रॉम द ग्राफ ऑफ लैम्ब्डा m वर्सेस C raised to 1/2 बिकॉज़ द ग्राफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज in the form of curve, so you cannot obtain a right extrapolation, means the value of lambda 0m from this graph. Clear? This is acetic acid H. Okay, so for the weak electrolyte, the value of lambda 0m can be calculated with the help of Kolros law. Okay, first of all write this all the topics and after one we start a new topic. Okay guys,
First of all, let us complete some formulas before we started the Kolrow's law. And actually, Kolrow's law we start in the next lecture. But first of all, this is the most important formula we started here. The value of degree of dissociation alpha at the given concentration is given below. What is the formula of degree of dissociation alpha? Molar conductivity of the solution at a given concentration and which is denoted by lambda m. क्योंकि यहाँ क्या लिखा है given concentration, okay? Concentration हमको मालूम है and divided by molar conductivity of the solution at the infinite dilution and which is denoted by the lambda 0 m. So the formula of alpha is equal to lambda m divided by lambda 0 m. Lambda m means molar conductivity of a solution at a given concentration and molar conductivity of a solution at infinite dilution. Clear? Okay. Alpha is equal to lambda m divided by lambda 0 m. This is the formula number 1. And now we know that from the equilibrium chapter, from the 11th science, K is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha, where K is equal to dissociation constant for the weak acid or base, or you can say weak electrolyte, and C is equal to concentration of the solution, and alpha is equal to degree of dissociation of a weak electrolyte. Okay, तो अब ये दोनों ही फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाई उस फॉर्मूला और आगे के लेक्चर में कुछ मोलर कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला पढ़ाई थी, इन सभी फॉर्मूला को कंबाइन करके कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं उसके बारे में अपन जा रहे हैं, और कॉलरोस लो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, लेकिन इसके पहले इनको लिख लो. Okay, last two numericals of this lecture. Okay, and very important, बहुत ही important ये दोनों ही numericals हैं. आप बराबर से इनकी practice करना, ठीक है? Most time be here. The conductivity of a 0.00102028 molar acetic acid is 4.95 into 10 raised to minus 5 siemens into centimeter inverse. वो ये conductivity हमें दे दी गई है. What is symbol of conductivity, specific conductance, okay. The value of K is given in the numerical. Calculate its dissociation constant. देखिए, acetic acid के लिए dissociation constant find करना है. So I have to find Ka, okay, and lambda 0 m. देखिए, NCERT में in place of lambda 0 m symbol use किया है E 0 m. Both are the same, okay. Lambda 0 m of acetic acid is 390.5 siemens into centimeter square into mole inverse. Okay, चलो हम last में से first में आ रहे हैं. Find क्या करना है? Dissociation constant for the acetic acid. Ka. What is the formula of Ka? Alpha square C divided by 1 minus alpha. देखिए, value of C is given in the numerical. So, first of all, we have to find value of alpha. Then, चलन, second step में जा रहा है. ये third step था, अब ये second step. What is the formula of alpha? Lambda m divided by lambda 0 m. And lambda 0 m is given in the numerical, so I have to find lambda m. And for the lambda m, formula is 1000 into k divided by c. Okay, third step mein gaye, alpha nahi tha. Second step mein gaye, lambda m nahi tha. To mil gaye yaar, first step kaun sa hoga? Are yaar, lambda m ko find karo. So lambda m is equal to 1000 into k divided by c. सारी वैल्यू में बताई गई है, लिख दो इस फॉर्मूला में. आंसर आता है 48.15 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स. क्लियर? नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा लैम्ब्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा 0 एम. लैम्ब्डा एम
We find 48.15 and lambda 0. I'm come on, given in the numerical 390.5, and so my answer of the alpha is 0.1233. देखिए alpha की value बहुत कम है ना, 0.1233, because this is the numerical of acetic acid which is the weak electrolyte, you know. Now put the value of alpha and C in the formula of Ka alpha square C divided by 1 minus alpha, and you got the answer 1.78 into 10 raised to minus 5, and the unit is mole per liter. बहुत ही आसान but बहुत ही most time पे ये numerical है, सिर्फ data change कर दिए जाएंगे और ये numerical exam में आएगा. Conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 raised to minus 5 siemens into centimeter inverse. Calculate lambda m and dissociation constant Ka for the acetic acid. हमें lambda 0 m acetic acid के लिए बताया गया है. Same fundamental, same way, ये जो numerical था वही है, सिर्फ मैंने यहाँ data change किया है. Come on बेटा, मैंने यहाँ data change किया है. First step, lambda m is equal to 1000 into k divided by c. Put all the values in this formula and you got the answer 32.76. This is the value of lambda m. Okay, now find the value of alpha. Lambda m divided by lambda 0 and you got the answer 0.084. देखिए value of alpha यहाँ तो 0.1233 थी ना, यहाँ तो और कम हो गए 0.084, and the k is alpha square c minus divided by 1 minus alpha. Put the values of alpha and c and you get the answer 1.85 into 10 raised to minus 5 mole per liter. Clear? देखिए ये value और ये value approximately near है ना, so आपको मालूम होगा जब equilibrium chapter में आपके लिए acetic acid का जब Ka का value बताया था, तब क्या था Ka का value acetic acid के लिए 1.8 into 10 raised to minus 5. Okay, this is the ratio of these both the values. Okay, तो यहाँ मैंने weak electrolyte की conductivity, strong electrolyte की conductivity, alpha और Ka, ये जो टॉपिक्स थे उन्हें कंप्लीट किए, उनके ये दो न्यूमेरिकल. ये हमारा एक्सरसाइज 3.9 एनसीईआरटी, और ये था एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी में लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसका ये एमसीक्यू था. अब आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जाने वाले हैं कॉलरोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड कॉलरोस लॉ बेस्ड सम न्यूमेरिकल्स. ओके, bye-bye.